चलो आगे बढ़ो, देखो जो भी नए आए हैं किसी के पास सिगरेट गुटखा तो नहीं है। ओके सर, जैसा भी होगा इन्फॉर्म करूंगा। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो 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 जल्दी करो। यहां साइन करो। नाम? सर नागराज यादव। पिता का नाम? सोमनाथ यादव। नाम? विपिन कुमार सिंह। पिता का नाम? राजकुमार सिंह। नाम? मंतोष सर। पिता का नाम? राम खिलावन सर। नाम? सर मेरा नाम श्रीनू। बाप का नाम? श्री राम मूर्ति। नाम? ए तुमसे ही पूछ रहा हूँ। बोलो। मेरा नाम सूर्या है सर। पिता का नाम? इंद्रजीत है सर। तेरा क्या नाम है बेटा? कौन से केस में अंदर आए हो? हाँ, जब मैं भी जेल में आया था तो दो दिन तक किसी से बात नहीं किया था, पर धीरे धीरे आदत पड़ गई। मेरा नाम है राम बाबू। मैंने 10 साल तक शुगर फैक्ट्री में काम किया। शाम को भजन कीर्तन करने की आदत है। अपने ग्रुप में सिंगर कम राइटर मैं ही था। मैंने अपने बारे में बता दिया, अब तुम भी कुछ बताओ। हमारे सोचने से क्या होता है? कुछ भी तू सोचे, कुछ भी हो जाए, जो भी होगा वो उसकी मर्जी से होगा। प्रभु जो भी होगा वो तेरी मर्जी से होगा, ओ रामा तेरी मर्जी से होगा। अल्लाह ज्यादा शोर मत कर। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे बात नहीं करना है। मेरे साथ जिसको डाला है वो भी चुप रहता है। मैं बोलूं तो आपको तकलीफ होती है। मैं क्या भगवान का कीर्तन भी ना गाऊं? अरे भाई गूंगा है क्या? कुछ तो बोल। ए, उसके मुंह मत लग, वो मर्डर केस में अंदर आया है। देखो बेटा, बुरा मत मानना, मुझे जरा ज्यादा बोलने की आदत है। कुछ बुरा लगा हो तो माफ कर देना। अरे उधर प्रेयर शुरू हो गई है और तेरी लाइट ही स्टार्ट नहीं हो रही है। फादर इंग्लिश में गालियां दे रहे हैं, तू लाइट चालू करने यार। अरे यार ये वायर में प्रॉब्लम है, अगर मैं लाइट चालू कर दूंगा ना तो प्रभु को खुद आकर यहां मुझे शाबाशी देनी पड़ेगी। चल अब सब ठीक हो गया, तीसरा बटन दबा। अच्छा ठीक है। हिंदू और मुस्लिम मिलकर चर्च में अगर रोशनी कर दें तो समझो हर रोज त्योहार है। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू फादर, मैं अपनी शॉप शुरू कर सकूं? ऐसे आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। हाँ इधर सुन जरा। हाँ अरे तुझे याद नहीं है क्या, तेरे बाप की पूजा का टाइम हो गया। अरे तू इतना धीरे चलाएगा तो तेरा बाप मुझे खा जाएगा, समझ में आ रही है बात? अरे पीछे क्या देख रहा, आगे देखना यार। यार पता नहीं क्या होगा। टाइम क्या हो रहा है? हम टाइम पे थे चाचा, सूर्या के पास भी मैं टाइम से पहुंच गया था। ये आपका बेटा पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके घूमता है। जिस गांव में रहते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हाँ थोड़ी पूजा लेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम थोड़ी ना हो जाएगी। देख रही हो सुमन, तुम तो इसको छोड़ करके चली गई। मैं रोज काम से वापस आकर खाना बनाता हूँ और तुम्हारा ख्याल दिल से निकालने के लिए रोज पूजा करता हूँ। क्या ये सब कुछ गलत है? तुम ही बताओ ना। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा? एक क्वार्टर के लिए इसकी इतनी बातें सुननी पड़ेंगी? मैं नहीं पीऊंगा सुमन, आज से नहीं पीऊंगा। जाने तो छोड़ो ना चाचा, आप नहीं पियोगे तो वेस्ट हो जाएगा। ये आपका है। अगर आपने ग्लास की पूजा नहीं की ना तो इससे आपको पाप लग सकता है। ये सही है, ये कुछ भी करे इसे पाप नहीं लगेगा, मैं पूजा ना करूं तो पाप लगेगा।
तुम दोनों बाप बेटे का ये नाटक मेरे लिए नया नहीं है। क्या मांगा चाचा? अरे क्या मांगेंगे, सब कुछ तो जिंदगी में मिल चुका है। ये कैसा है? मिर्ची कम डालिए इसमें। अरे भाई बाप से ऐसे बात नहीं करते। अरे बेटा काम से घर आता है, उसके लिए कुछ अच्छा बनाया करो ना। तो क्या मैं यहाँ घर पर बैठकर मक्खियां मार रहा हूँ? और इसे क्या होटल समझ रखा है? तुझे खाने में रोज अलग अलग टेस्ट चाहिए तो शादी कर ले। बात तो सही है। देखिए आप जो भी बकवास बनाएंगे ना वो मैं खुशी खुशी खा लूंगा, लेकिन शादी का ना मत लो। पहले टाउन में मुझे शॉप बनानी है, उस शॉप को माँ का नाम भी देना है। और ये देखिए इस टूटी हुई छत को तोड़कर स्लैब बनाऊंगा, फिर शादी। अरे जा रहे, ऐसे ख्याली पुलाव बनाने वाले मैंने बहुत देखे। तुम लोगों का नाटक खत्म हो गया? ए सुनना, तुझसे अर्जेंट बात करनी है। अच्छा एक बात बता, आज तेरा मुंह क्यों ऐसे लटका हुआ है? भाई क्या ना, रेस शुरू होने वाली है, उसके लिए मोटर खरीदना है। थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, सेकंड हैंड होगी तो भी चलेगी, लेकिन मोटर खरीदना बहुत जरूरी है भाई। पैसे चाहिए और इससे मांग रहा है, बता कितने चाहिए? 50,000 रुपए। तुझे क्या लगता है इसके पास खजाना है क्या कि तू जितना मांगेगा ये दे देगा? ए सुन, तुझे मोटर चाहिए या पैसे चाहिए? मोटर चाहिए यार, ये साल बहुत अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, कैसे भी करके जीतना है यार। अगर इसने तुझे गलती से पैसे दे भी दिए ना तो भी तू जीत नहीं पाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर काशी होगा और वो शिवा की मदद करके उसको जिता देगा। तुझे तो पता है कल उसके पास 3 नावें होंगी, और तू जानता है ना कि वो एक एक नाव पर कितने पैसे लगाता है। जानता हूँ चाचा, मैं जीतना तो चाहता हूँ पर इन राक्षसों से जीत पाऊंगा? सही कहा तूने। तू रेस के लिए मोटर लाएगा तो शहर से ही लाएगा ना। मैं तेरे लिए उससे भी जबरदस्त मोटर तैयार करूंगा। हाँ करेगा करेगा। तू पैसे देना यार। देख पैसों के लेन देन से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कल पैसे मांगूंगा तू मुंह फेर लेगा और बेकर के बुलाएगा, फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी यार, इसलिए उधार नहीं लेने का। और एक बात, सूर्या के काम में कोई गड़बड़ नहीं होती है, समझा? मस्त मोटर तैयार करके दूंगा, वादा है मेरा। ये बात भी सही है। अरे रे रे, छोटे तू क्या चल रहा है गांव में? अरे मैं सिंगापुर से थोड़ी आ रहा हूँ, गांव में क्या चल रहा है वो आपसे बेहतर हम कैसे बता सकते हैं, बताइए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार काशी ना राजनीति में उतरने की सोच रहा है। उसका पेट चाहे भर जाए लेकिन मन नहीं भरता, बस एक बार किसी पर उसकी नजर पड़ जाए तो उसके पीछे पड़ जाता है, खास करके दूसरों की औरतें, इसीलिए उसकी अपनी बीवी छोड़कर भाग गई। ऐसे आदमी को कौन देगा अपना वोट? नमस्ते। पैसे लेकर साइड हो जाने के लिए बोला था, तुझे क्या लगता है तू रेस जीत जाएगा? जो मोटर तूने मंगवाई है उस पर विश्वास है तुझे? जो रेस हारने वाला है उससे बहस करके क्या फायदा, अब मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकता। तुझे इस रेस में हिस्सा लेने से कितनी बार मना कर चुका हूँ, तेरी नाव भले ही आगे रहने दे लेकिन मेरे नाव से आगे नहीं जा सकती। मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलता हूँ। बैठ रहे? अरे बैठ जा, कॉफी पी के जाना है। कॉफी पीने को बोला तो अंगूठी गाय को घुमा रहा है, आदत हो गई है मेरी। बहुत अच्छी अंगूठी है तेरी, ऐसी अंगूठी कहीं पर देखी है ना रे? चांस ही नहीं है, चौधरी सोनार से बनवाया है इसे, एक अपने लिए एक भाई के लिए। तेरा वही भाई ना जो हाथ में झंडा लेके नारा लगाता रहता था, ये स्कैम बंद करो वो स्कैम बंद करो, वो दिखाई नहीं दे रहा है आजकल। मिला क्या वो? कहाँ मिला, पुलिस दुनिया भर की कहानी बना रही है, कुछ पता नहीं चला। इस वक्त तुम लोग यहाँ बैठकर क्या टाइम पास कर रहे हो? मीटिंग का वक्त हो गया, चलो। अब चले क्या? महंगी चैन, लगता है पैसे बहुत आ रहे हैं तेरे पास।
नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी नाव की प्रतियोगिता होगी और हर कोई सिंगल इंजन इस्तेमाल करेगा और कोई भी किसी और बोट को टक्कर नहीं मारेगा। जो भी सबसे पहले उस पुल के पास पहुंचकर उस गोल के अंदर झंडा गाड़ेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। भाई वो देख। और एक साल तक तालाब की मछलियों पर सिर्फ उसी का अधिकार होगा, वही उस तालाब का मालिक होगा। उसके अलावा तालाब में कोई मछुआरा नहीं जा सकता। अगर कोई मछुआरा जाएगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, उसे पंचायत में दंडित किया जाएगा। तो सब लोग तैयार हैं ना? चलिए शुरू करते हैं। नहीं देगी। और ये देखिए शिवा की नाव आगे निकल चुकी है। सूर्या, सूर्या, ये जाल फंस गया था। चल जल्दी जल्दी कर, जल्दी चला इसे। लगता है सूर्या की नाव में जो समस्या आ गई थी वो ठीक हो गई है और अब सूर्या की नाव चल पड़ी है। और अब सूर्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेज भगा, तेज, तेज, जल्दी चल चल चल, जल्दी भगा भगा। क्या कर रहा है? अरे रुक 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 रुक, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सूर्या जल्दी कर। चल जल्दी। भाई चालू तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। Baby।
ये प्रतियोगिता बहुत ही रोचक मोड़ में पहुंच गई है। अभी भी ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी, शिवा की या सूर्या की, लेकिन सूर्या की कॉन्फिडेंस देखकर ये लग रहा है कि जीत उसी की होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे शिवा से आगे निकलते चला जा रहा है और ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्द सूर्या अपने इंजन में डीजल खत्म, अब क्या करेंगे यार। सूर्या की नाव फिर धीरे हो गई और शिवा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है वो अब सूर्या को पीछे छोड़ देगा। आज तक इस गांव में ऐसी प्रतियोगिता नहीं हुई थी, ये तो कमाल है। कभी आगे शिवा, कभी आगे सूर्या, लेकिन अंत में जीत शिवा की होने वाली है, क्योंकि शिवा की नाव मंजिल के काफी करीब है। अरे सूर्या ये क्या कर रहा है, सूर्या ने अपने हाथ में झंडा ले लिया है और ये तो कमाल का दृश्य है। ओ, सूर्या ने शिवा से पहले उसको अपना झंडा गाड़ दिया, ये तो कमाल हो गया भाई। और अब जीत हो गई सूर्या की, सूर्या जीत गया है। थोड़ी देर पहले कोई सोच भी नहीं सकता था सूर्या जीतेगा, क्योंकि सूर्या की नाव फिर खराब हो गई थी और शिवा काफी आगे चल चुका था, लेकिन इसके बावजूद सूर्या ने कमाल कर दिया। भाई आखिर में तूने कमाल कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, उसको बोल दे माल जल्दी दे देने को। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सही कह रहा है यार। क्यों रे चंदू, तूने तो एकदम कमाल ही कर दिया रे, तेरे पे मेरी नजर ही नहीं थी। कौन सी कंपनी की मोटर दी? लोकल कंपनी, मेरे भाई ने बनाया है। चल ठीक है, कीमत बोल और वो इनाम का हिस्सा सीधे मेरे को दे दे, मैं तेरे लिए कुछ तो कर दूंगा। रही इस साल जीत तो हमारी हुई है, तो मछलियों पे अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए ना। उससे पूछ रहे हैं, वो बताएगा ना, बाकी का जो भी है काशी भाई देख लेंगे। सोच ले, पूरा एक साल है और वैसे भी ये जो काम है ना वो तेरे बस का नहीं है। मछलियां पकड़ना, उनको संभालना बहुत मुश्किल है रे। रेस जीतना मुश्किल था, वो तो जीत गए ना। रही मछलियों की बात, वो भी संभाल लेंगे। अब रेस इन लोगों ने जीत ली है ना, जो करना है कर लेंगे, सब इन पर छोड़ दो। हाँ भाई, मैं देख लूंगा ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा भाई है ना, संभाल लेगा। इतने बड़े आदमी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम लोग नाटक दिखा रहे हो। बड़े आदमी है तो दान करना चाहिए, हक नहीं मारना चाहिए। चलो रे, हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है, जलन हो रही है इन्हें। चला जा। क्यों रे, चल बोल, पार्टी कहाँ दे रहा है? अरे मार क्यों रहा है, रात में धांसू पार्टी है। पक्का होगा, होगा जिसका भी होगा, ये दिल केवल उसका ही होगा। होगा होगा जिसका भी होगा, ये दिल केवल उसका ही होगा। ऐसा वैसा कैसा भी होगा, पर वो मेरे जैसा ही होगा। ऐसा वैसा कैसा भी होगा, पर वो मेरे जैसा ही होगा। क्या सब लोग आ गए? आ गए, आ गए। ठीक है, हम लोगों ने ये सोचा है कि इस साल नरसिंह जी की पूजा हमारे इस गांव में बहुत ही धूमधाम से किया जाए और 3 दिन के इस कार्यक्रम में भक्तजनों को और जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 दिन के इस कार्यक्रम से जो भी पैसा आएगा उससे मंदिर की मरम्मत करवाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि नरसिंह भगवान की मूर्ति पर इस बार मैं स्वयं सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। हम सब लोगों को मिलजुल कर अब काम करना होगा। मंदिर के बाहर का काम नागेश्वर राव जी, मंदिर के अंदर का काम पंडित जी, भोजन का प्रबंध करुणा जी, और इसके अलावा लोगों का स्वागत और प्रोग्राम का सारा काम मेरा बेटा काशी देखेगा। तू भी बोल बेटा। इस बार बढ़िया दुकानें होनी चाहिए, ड्रामा डांस और बड़े बड़े प्रोग्राम करने का प्लान किया है और बच्चों के लिए डीजे सेट और लाइटिंग भी लगवा रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ोस के गांव वालों को दिया जाए, ऐसा हम लोगों ने फैसला किया है। पड़ोस के गांव वालों को पैसा क्यों देना, क्या कोई मेरे बेटे के जैसी लाइटिंग कर सकता है? इसीलिए तो इस बार बाहर के जिले से लोग बुला रहे हैं हम लोग। जो बाहर से आएगा उसको लाइट और बल्ब के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। मैंने भी नया डीजे सेट खरीदा है, परसों राजेश जी की पोती का रिसेप्शन था, डीजे सेट मैंने ही तो लगवाया था। क्यों, सब लोगों ने ताली बजाई थी कि नहीं? क्यों राजेश जी, लाइटिंग अच्छी नहीं थी क्या? अरे तेरे काम में कोई कमी नहीं है बेटा, तेरी जितनी तारीफ करूँ कम है। लाइटिंग के काम में तू बहुत माहिर है, वो रंग बिरंगी लाइट, वो सजावट, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अब और सुनिए, बाहर वालों से थोड़ा पैसा कम ही लेगा मेरा बेटा,
जब घर में सामान रखा हुआ है तो बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है? हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो बीच में क्यों बोल रहे हो? हम लोग बैठे हैं ना फैसला करने के लिए। अगर इतनी चूल है तो हम लोग जाते हैं, तुम लोग कर लो फैसला। hey, तू चुप रह। ठीक है, गांव का त्योहार है इसीलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस साल लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम तुम्हें देते हैं। कल आकर एडवांस ले लेना तुम। ठीक है जी। भाई वो जो सोडा शॉप है ना, उसमें लाइट नहीं आ रही है। वो लड़की दिमाग खराब कर रही है, तू जरा जाके देख लेना। ठीक है, ये खत्म करके देखता हूँ। अरे तू बात समझना, वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है भाई, बहुत ही तेज तर्रार है, तू खुद ही जाके देख ले। देखो भैया, यही दुकान है। पूरे मेले में इसी दुकान में प्रॉब्लम हुई, आखिर यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही है? अब ये डब्बा मशीन लगाएंगे तो पूरा लोड यही खा जाएगी ना। क्या कहा, ये डब्बा मशीन है? जब कनेक्शन किया था तब नहीं देखा था? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लाइट नहीं आ रही है ना, आ जाएगी। एक दुकान नहीं है, 100 दुकानों को देखना है। हेलो, सारी दुकानों में लाइट है, बस मेरी दुकान में नहीं है। देखो सबकी चली गई, देखा ना। वो तो अभी गई, मेरी दुकान में तो पहले से ही नहीं थी। कितना बड़बड़ करती है यार। बड़बड़ नहीं करती, पका देती है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ क्या रखा है। तुम्हारी इस लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब जाएगी पता नहीं। स्पीकर बंद करो अपना। स्पीकर? दिमाग ठिकाने पर है ना, जबान संभाल के। ये लीजिए, आ गई ना। सुनो, मशीन ऑन करो। वैसे तो ठीक ठाक हो, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारा ऑडियो विजुअल मैच नहीं कर रहा है। चलता हूं। बहुत अच्छी है। अरे मेरा यकीन मानो, सब उन्हीं का कमाल है। किसका? भूल कैसे गए? अरे बताओ भाई, अपने काशी जी। अरे वाह बेटी, सोडा मस्त बेच रही हो। मुझसे मस्ती कर रही हो? पापा, आपकी दुकान मैं कब तक संभालूं? अरे बेटी जरा काम था इसलिए गया था। लो ये लो, जाकर कुछ शॉपिंग कर लो। क्या सोच रहे हो पापा? पूरी तो ले रही हूँ। थैंक यू, बाय। सुपर बेटी, यहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, जरा संभाल कर जाना। बचपन से देख रही हूँ पापा, क्या कर लेंगे। चलो चलते हैं। ए, तेरा कितना हुआ? काउंट किया क्या तूने? यार काउंट तो मैंने नहीं किया, लेकिन एक और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो देखना अपना नेक्स्ट टारगेट। इधर ही आ रही है, रेड साड़ी और वाइट गजरे में। चला गजरे की खुशबू लेके आते हैं। सुनना, यहाँ चले, ये सही है ना? हाँ, वोट लेके क्या? ए, अरे कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलूँ क्या? क्या रे, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है? कौन सा गांव है तेरा? पागल टाइप का। ये मंदिर है, यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं, और तुम जैसे गधे यहाँ लड़कियों को छेड़ने आते हैं। तुम्हारी हरकत बर्दाश्त करो, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। इसके अंदर हाथ डाल दूंगी ना तो गन्ने जैसा तुम्हारा भी जूस निकल जाएगा। दोबारा तुम लोगों को यहाँ देखा ना, भागो। भाग रहे। अरे भाई मानना पड़ेगा, उन लड़कों को तुमने सही सबक सिखाया। ऐसे आवारा और लफंगे लड़कों से प्यार से बात नहीं होती, तुमने बिल्कुल करेक्ट किया। मैंने बोला था ना, मामूली लड़की नहीं है भाई, बहुत ही तेज है। अरे जो लड़की ज्यादा बड़बड़ करती है ना, उनका दिल साफ होता है। क्या बोला? तेरी होने वाली भाभी है। अरे ऐसी लड़की मिल गई ना तो दिल, दुकान और घर सब संभाल लेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या बात है, नखरा देखा क्या उस? पता नहीं किसके, लेकिन कमाल की है। वो मेरी बेटी है। मानना पड़ेगा, बहुत तेज बेटी है आपकी। क्या बात है, दुकान में गर्दी है? सब लोग तुम्हारी दुकान से खरीद रहे हैं क्या? सब आपकी कृपा है, आप ही ने कहा था ना कि गांव में कमाल का मेला होगा, तो सोचा कि मैं भी चार पैसे कमा लूं। ये लो मसाला सोडा स्पेशल आपके लिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भगवान बेचारा अकेला क्या क्या करेगा। सही कहा आपने। कोई नया धंधा शुरू करो ना, कब तक ये ऐसे सोडे की दुकान खोलकर बैठे रहोगे यार? उसके लिए पैसे चाहिए ना। कितने बच्चे हैं आपको? एक बेटी है बस। कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दूं तो मैं भी गंगा नहाऊं। ठीक है, वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। हमारे गांव में कोई अच्छा रिश्ता दिखा तो बताता हूँ।
आप जैसे बड़े इंसान ने कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। ए भाई हट जरा। वो तीन दिन तक तो नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ मेला लगा है ना, मुझे मेरे पापा की मदद करनी है। हेलो, ये क्या रोड के बीच में गाड़ी रोक कर फोन पर बात? साइड में हटो। रोड तुम्हारे बापू ने बनवाई है? ये स्पीकर घर नहीं ले जा रहा, मेले में लगाने जा रहा हूँ। तो मेरे घर पर लगा दो। लगा देता हूँ। बताओ घर कहाँ है? भाई इससे पंगा मत लेना। रुको रुको रुको। हाँ बेटी। इससे मारने पर जोर से लगती है ना? अब क्या बताऊँ बेटी, चमड़ी उधर जाती है। भाई ये तो कोड़े बरसाने के मूड में लग रही है, बाद में बात करते हैं ना, चल चलते हैं। आजा आजा। तू तो लड़कियों से दूर रहता है, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़ गया? अरे लड़की कमाल की है, इसे छोड़ नहीं सकता। सबके यहाँ बिजली है लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं है? समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ, लाइट चली गई? हाँ सर, सबकी दुकान में लाइट है लेकिन मेरी दुकान में नहीं है, जरा आप देखिए ना। अरे रे रे, ये आपके साथ ही क्यों हुआ? करंट का आना उसका जाना ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, मैं देखता हूँ। इसमें तो टाइम लगेगा, चलिए काम करते हैं, अपन दोनों सोडा पीते हैं। अरे सर, अरे पैसे मैं दूंगा, चलिए ना। सोडा पियेंगे आप? दो सोडा मैडम। गेस्ट फर्स्ट, पीजिए ना। थैंक यू। गोली अटक जाएगी, ध्यान से। ये तो इधर ही है। बड़ा मजाक करती हैं आप, लोगों की किडनी में स्टोन होता है, मेरे में गोली होगी और क्या। अब ये चालू हो जाएगा। लाइट चली गई ना? लेट मी चेक। भाई साहब इसमें तो टाइम लगेगा ना, चलिए सोडा पीते हैं। चित्र का क्या है वो तो बाद में बना लूंगा, आइए सोडा पीते हैं। सोडा। ये 20वां सोडा है तुम्हारा, सोडा पीकर ही मरने का विचार है? सोडा पीकर ही जी सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अरे रुकिए। यस। ये सोडा है कि अमृत है? इडियट। सोडा चाहिए? बिजली चाहिए बेटी। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? बेटी मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, तुम दुकान में आती हो, मेरी बिजली चली जाती है और फिर वो लाइटमैन मेरे पास ही आता है, और जानती हो अब तक वो मेरा 100 मीटर वायर बर्बाद कर चुका है। इतनी छोटी सी दुकान के लिए इतना वायर क्यों बेटी, उसे समझाओ ना बेटी। अरे वो तुम्हारे लिए ही यहाँ आता है, तस्वीर पूरी होने से पहले ही बिजली काट देता है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ये देखो बेटी, जब से आया हूँ तब से सिर्फ आंखें ही बना रहा हूँ। देखो देखो बेटी देखो, ऐसी हालत हो गई मेरी। अरे रे, जरा देखे भाई। अरे सॉरी शिवा, बैलेंस बिगड़ गया। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ए सॉरी बोल दिया ना इसने। मैं उससे बात कर रहा हूँ तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत क्या है? सॉरी बोल दिया ना मैंने। अब इन्होंने इतनी बकवास रोड बनाई है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रोड के बारे में बात मत कर तू, किसके बारे में बात कर रहा है ये सोच के बात कर। इनके वजह से ही तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी की वजह से नहीं मिला है, मेरे काम से मिला है मुझे, समझा ना? इससे क्या मुंह लगाना, चलो चलते हैं। बात करता है। मेले में आए सभी भक्त जनों से निवेदन है, नारायण स्वामी जी के दर्शन करते वक्त ले ले उसे। जेब और चीजों का ध्यान रखें, सभी अपने अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए।
मेला कमेटी आपके नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। पता नहीं लोग क्यों रोनी शक्ल लेकर आ जाते हैं। यहाँ से चलो चाचा, बहुत भूख लग रही है, कहीं जाकर कुछ मस्त खाते हैं। चलो। अरे पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? वो लड़की फिर से दिखी चाचा। कौन सी लड़की? सोडा शॉप वाली, श्रीदेवी नाम है। नाम तो बहुत अच्छा है। वो लड़की बहुत अच्छी है चाचा। हाँ पता है, सूर्या उस पर फिदा हो गया। सूर्या किसी हीरो से कम है क्या? देखना वो लड़की भी उसे पसंद करेगी। मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ बोल। हेलो, कहाँ पर है यार? तबेले में हूँ यार, दूध निकाल कर सबको देकर आता हूँ। अरे मजाक मत कर यार, हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं, साथ में एंजॉय करना है, तू कब आएगा? अरे नहीं भाई, मुझे काम है थोड़ा। अरे सुना, फोन काट दिया। सोडा नहीं है, दुकान बंद हो गई। अच्छा, मतलब कल से सोडा नहीं पी पाऊंगा? तो अगर तुम्हें देखना, मतलब सोडा पीना हो तो मुझे कहाँ आना होगा? इन तीन दिनों में मेरा आधा सोडा तो तुम ही पी गए। तुम्हें सोडा इतना ज्यादा पसंद है? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो? मुझे पता नहीं, मेरा नाम श्रीदेवी है। तुम्हारे जैसा ही एक लड़का सोडा के बहाने मेरे पीछे पड़ा था, मैंने सोडा बोतल उसके सर पर फोड़ दी। तब से लोग मुझे सोडा श्रीदेवी कहने लगे। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा घर कहाँ पर है इतना तो बता दो। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? देखो मेरे पापा आ गए, उनसे ही पूछ लो, अच्छे से बता देंगे। हाँ बेटी, सारा सामान समेट लिया? हाँ बस हो ही गया पापा। चलो अच्छा ही हुआ, पास में कुलदेवी का मंदिर है, चल जाकर दर्शन करके आते हैं। ठीक है। बेटा जब हम लोग यहाँ तक आ गए तो हमें दर्शन भी कर ही लेने चाहिए। हाँ, बोलना। अच्छा मौका बार बार क्या है तेरे को? अरे यार इतना क्या बिजी है, सोडा बना रहा है क्या? हाँ बना रहा हूँ, फोन रख। अरे पास में ही है, चल ना। पागल कर दिया, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। फोन कट कर रहा है, इसको थोड़ा परेशान करता हूँ, देखता हूँ ये कब तक नहीं उठाता है। हेलो, इसने तो स्विच ऑफ कर दिया। देख रहा हूँ ना चाचा, वो उस लड़के के लिए दीवाना हो गया है। तूने बोला वहां पे खेल दिखा रहा है और यहाँ खड़े खड़े बोतल पे बोतल कटक रहा है, हाँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो गधा मेरा मजाक उड़ा रहा है। उस चंदू में उतना जिगर नहीं है रे, वैसे क्या बोला वो? सूर्या का बाप और चंदू मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, त्योहार चल रहा है इसलिए छोड़ दिया मैंने, लेकिन वो अपनी औकात भूल रहे हैं। जब से वो रेस जीता है तब से इनका नाटक बढ़ गया है, उस सूर्या ने तो मेरे मुंह पे कीचड़ तक फेंक दिया था। एक तो सुबह से तू मुझे दिखा ही नहीं और ऊपर से इस बारे में भी नहीं बताया। मेरी छोड़िए भाई, उसने तो आपको भी, वो क्या इस गांव का प्रधान है क्या? कब क्या करना है वो हमें बताएगा? उस दिन आपकी फोटो पे कीचड़ उछाल दिया। मेरी फोटो पे कीचड़ उछाला मतलब वो कीचड़ हम पे गिरा। वो चंदू एकदम सही है रे, लेकिन वो सूर्या पीछे से उंगली कर रहा है और उसका बाप भी ऊपर से डायलॉग मारता रहता है। कितना बर्दाश्त करेंगे रे अपन? एक तो ये पूरा मेला अपन लोग का है, तू जाए जो भी होगा देख लूंगा मैं। सूर्या उससे शादी करके ही मानेगा। हाँ, हाँ। क्या रे? अरे तुझे मेरे ऊपर बड़ी हंसी आ रही है ना? ए हाथ हटा, तू अपने आप को समझता क्या है बे जो तुझे देख के हंसूंगा? जब से तुम लोगों ने रेस जीती है बड़ी चर्बी आ गई है। दिमाग खराब है क्या तेरा? ए शिवा देखिए, तुझे देखकर नहीं हंसा,
त्योहार के दिन झगड़ा क्यों करते हो? चलो जाओ। अबे बुड्ढे मुंह बंद रख, अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। तमीज से बात कर शिवा, बड़े छोटे का लिहाज नहीं सीखा क्या? अरे शिवा इतनी हिम्मत, मुझे हाथ लगाता है अभी काट दूंगा तुझे। इतनी हिम्मत छोड़ो, क्या कर रहे? मेरी बात सुनो, औकात भूल गया ना तो औकात याद दिला रहा हूँ मैं। शिवा सुनो, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू और तेरा बेटा तलाक छोड़ दे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ए, मेरे बेटे को पता चला ना कि तूने मेरा कॉलर पकड़ा है तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा। कॉलर पकड़ने पे हड्डी पसली एक करेगा? ए, 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 सूर्या, छोड़ मुझे। तेरे बेटे ने मुझ पे कीचड़ उछाला तब भी मैं चुप रहा, अब तू देखना मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, देखता हूँ वो क्या कर लेगा मेरा। चल, चल। अब मैं तुझ पे पेशाब करूंगा, देखता हूँ तेरा वो बेटा मेरा क्या करता है। ए, ए, शिवा ऐसा मत कर। शिवा, सूर्या कहाँ है तू? शिवा, शिवा तेरे झगड़ा मुझसे, देख तू जैसा के साथ कुछ मत कर। शिवा देख, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। शिवा, सूर्या कहाँ है तू? सूर्या, शिवा छोड़, शिवा छोड़, शिवा, शिवा देख मैं बोल रहा हूँ, शिवा छोड़। ए, सूर्या, शिवा हमारे साथ झगड़ा कर रहा है यार, तू कहाँ है? सूर्या तू जा कहीं भी है, जल्दी से आना सूर्या। सूर्या पापा, पापा क्या हुआ पापा? सूर्या, सूर्या पापा के ऊपर उसे पेशाब कर दिया और बहुत तेजी की। Thank you.
शिवा, शिवा। क्या हाल है वकील साहब? सब ठीक है ना? हाँ। देखिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और केस भी बन गया है। इतनी जल्दी क्या थी? कॉम्प्रोमाइज से मामला खत्म हो जाता। वो अभी हॉस्पिटल में है, हालत सीरियस है, जान भी जा सकती है। काशी छोड़ेगा क्या इसे? तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है कि तुमने शिवा को जान से मारने की कोशिश की, इस बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने मारा है सर, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसने क्या किया? पूरे गांव के सामने मेरे बाप पे उसने पेशाब किया। आप ही बताइए क्या करता? मेरे पिताजी की इज्जत पर पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने दाग नहीं आने दिया और इसने सबके सामने ये सब किया। अगर आपके माँ बाप के साथ कोई ऐसा करेगा तो आप भी यही करेंगे ना? अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे गला दबाकर मार डालता, ये बात ये आपको नहीं बताएंगे सर? अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बेल अप्रूव्ड। जरा एक सोडा देना। हाँ देती हूँ। काशी, हम लोग एक गांव के हैं, जो होना था हो चुका है, आपस में बैठकर बात कर लेते हैं ताकि कोर्ट ना आना पड़े। वहाँ पे एक इंसान की जान जा रही है, डॉक्टर ने बोल दिया है, कोर्ट के चक्कर काटने की ताकत है मेरे में, मैं देख लूंगा। और जो हमारा नुकसान हुआ वो कौन देगा? क्यों बे? अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है क्या तू? उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं है। चल ठीक है, देख लेंगे। देखेगा, बहुत जुबान चल रही है तेरी। हाँ तो क्या? तो क्या क्या? अरे रुको रुको, क्या है ये? कोर्ट के सामने झगड़ा करोगे? बेल मिले आधा घंटा भी नहीं हुआ है, फिर से अंदर जाना है क्या? अकल है कि नहीं? छोड़ दो, चलो जाओ। शिवा के पास जाओ और आराम से उससे बात करो। अभी वो बहुत गुस्से में है, रात को उसे समझा कर कल अपने साथ ले आऊंगा। देखो अब तुम्हें ही सब कुछ करना है। ठीक है सर, चलिए जाओ। ठीक है, चलता हूँ सर। हाँ, बैठिए। सुन, तू किसी से बात नहीं करेगा, मैं सब संभाल लूंगा। क्यों बेटा, जिंदा है या मर गया ये देखने आए हो? सुनिए माँ जी, उस दिन शिवा ने ही झगड़ा शुरू किया था, ये नहीं बताया क्या? कैसी बातें कर रही है बहन जी, हमारे गांव के बारे में पता है ना? और मेरे बेटे ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? शिवा भी बच्चा है, गलती कर गया, इसने मुझे बुरी तरह अपमानित किया। अगर हमने इस पर केस किया होता तो बेल भी नहीं मिलती से। तो जाके केस करो ना, किसने रोका है? मैंने कहा था ना पापा, चलिए। ए रुकना। देख शिवा, तूने उसका गला दबाया तभी उसने तुझे मारा है। क्यों रे? हम लोग अगर कोर्ट के चक्कर में फंस गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। आप सही कह रहे हो, ये पुलिस वकील हमें पूरी तरह नोच खाएंगे, अब आप ही बताइए क्या करना है। आप बस इस पे साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ए तुम लोग बाहर जाओ, मैं साइन करवा के आता हूं। मर गया वो, अरे मर गए वो, देख। सुनो छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तो यहाँ दुकान है इसलिए मैं आऊँ। मुझे फॉलो कर रहे हो तुम, और कोई काम धंधा नहीं है तुमको? देखो काम धंधा नहीं है, भाई बहन नहीं है, ऐसे डायलॉग मत मारो। काम से आया हूँ मैं, ऐसे घूमने नहीं आया हूँ। एक को गुस्सा दिया था
बात कोर्ट तक चली गई, कॉम्प्रोमाइज करने आया हूं मैं। और वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती, दिखने में ठीक ठाक हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। मतलब जितना ज्यादा देखता हूं उतनी ज्यादा अच्छी लगती हो, और थोड़ा थोड़ा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ऐसे मत देखो, नीयत मेरी साफ है। तुम सोडा का काम करती हो तो मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूँ, पूरे गांव को संभालता हूँ मैं। मेरे पास सारा लाइटिंग का काम, डीजे सेट, अरे यहाँ तक कि पूरे गांव का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। इतना नहीं कोई मुकाबला नहीं कर सकता मेरा। अरे मैं अपनी शॉप भी डालने की सोच रहा हूँ। जब देखो गुस्से में चिल्लाती रहती हो तुम, कभी प्यार से पूछो कैसे हो सूर्या, पूछा कभी? हाँ कभी पूछा? वो सब मैं क्यों पूछू? अरे तो और कौन पूछेगा? मेरे पापा को बताओ। अरे तुम्हारे पापा इधर नहीं है ना, मतलब तुम नहीं बोलोगे ना? जाकर लाइटिंग की लाइन ठीक करो, मुझ पर लाइन मत मारो। क्या हुआ, तू कुछ बोल रही थी ना? कुछ नहीं यार, नोट्स नहीं बनाए थे तो सर ने मुझे डांट दिया। डांट दिया भाई, इस साल हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस तू देखता जा। अरे वो देख, वो इधर ही आ रही है। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। स्टार्ट कर। हाँ, ये थोड़ा आगे। सुनो, नाटक की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हो? कंकर और पत्थर ढूंढ रहे पूरे गांव के। सब दिख रहा है, ऐसे रोड पर भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घर ही आ जाओ, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। चल भाई इसके घर चलते हैं। ये कौन है भाई, इतना हीरो बन के जा रहा है, जरा इसका पीछा कर तो देखते हैं। पीछे आ रहा है क्या? हाँ यार आ तो रहा है, दिखने में ठीक ठाक है। तेरा दीवाना है यार, बहुत हैंडसम है। तुझे पसंद है तो तू ही चली जा। ओ श्रीदेवी रुको, जरा रुको। सुन जरा उतर तो। कितने दिनों तक इसके आगे पीछे घूमूंगा, आज फैसला करके ही मारूंगा। क्या श्रीदेवी क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बात है? 2 महीने से तेरे आगे पीछे घूम रहा हूँ, दिल दया कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? अगर आज तुमने आई लव यू नहीं बोला ना तो देखो कहाँ गया। जहर की शीशी लाया हूँ और लेटर भी लिख लिया है, सेल्फी वीडियो बना के मर जाऊंगा। एक मिनट भाई। बोलो। अरे बात तो सुनिए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं? सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वीडियो मैं बनाता हूँ ना, लाइए भाई। ये वीडियो ना चारों ओर वायरल होनी चाहिए। अब तुम आई लव यू बोलती हो या मैं जहर खा के मर जाऊं? चल मर जा। हाँ ओके भाई, शुरू हो जाओ। घंटा शुरू हो जाऊं? ये तो मजाक कर रही है, देखो वो क्या है। ये तुम भी लाइन में हो क्या? कब से? 6 दिन से भाई। 6 दिन से? 6 दिन होने के बाद भी तेरे सर पे अभी तक सोडा की बोतल नहीं टूटी क्या? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? इसके पीछे घूम रहा हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं ये कुछ बोल नहीं रही। अभी पूछ के बताता हूँ। मेरे बारे में छोड़ो, ब्रदर के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचना है, रोड के आवारा लोगों के बारे में मैं क्यों सोचूं? तुम क्या सुनना चाहते हो? पसंद हूँ कि नहीं बता दे बस। बताओ भाई पसंद है या नहीं? दोनों के गाल पे चमाट लगाऊंगी। मारूंगी बोलती लेकिन मारती नहीं है। ये सब नाटक बंद करो और सीधे बताने के लिए बोलो ना, क्योंकि ये भले ही गुस्से से बात करती है लेकिन इसकी आंखों में प्यार का बल्ब देखा है मैंने। ये क्या, उस लड़के को देखती हो तो तुम्हारी आंखों में बल्ब जलता है? ये बात जाकर मेरे पापा को बता, सारे बल्ब फूट जाएंगे। जाओ बता दो। हमेशा ये यही बोलती रहती है, पापा से बात करो, पापा से बात करो, घर आ जाओ। तुमने साथ में रहने के लिए बोला, आके मिलने के लिए बोला? हाँ बोला, जाकर मिल लो। पहले ये हाँ बोले तो उसके पापा से बात करूँ ना। 2 महीने से इसके पीछे घूम रहा हूँ भाई, एक बार भी घर आके पापा से बात करने के लिए नहीं बोली, तूने उसे क्यों बोला श्रीदेवी? मुझे सारी बातें समझ में आ रही है भाई, ये लड़की तुम्हें सिग्नल दे रही है। अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ये कह रहा है तू सिग्नल दे रही है, तुम बल्ब लगाते हो लाइट लगाते हो पर पता है खुद क्या हो? क्या? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मतलब? अरे छोड़। ये क्या हुआ मुझे, बिन पंख ही उड़ने लगी, कैसी तिश्नगी तेरे लिए दिल में जगी,
अच्छा हुआ चले गए। इसके रिश्ते के लिए मैं पूरे गांव में भटक रहा हूं और ये सिनेमा हॉल के चक्कर काट रही है, वो भी किसके साथ पता है? जो खून के इल्जाम में कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तुझे अपने कॉलेज में कोई नहीं मिला क्या? अरे वो काशी इसके लिए कितने अच्छे रिश्ते देख रहा पता है? देखो कैसे देख रही है ये, गलती का थोड़ा भी एहसास नहीं है? शर्म नहीं आती तुझे? इकलौती बेटी है इसलिए सर पे चढ़ा के रखा है इस दिन के लिए। तू अब घर से बाहर निकल के दिखा, तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसे क्या घूर के देख रही हो? समझाओ इसे। मैं उसको ऐसे कैसे डांट सकता हूँ? होती है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसे थोड़े काम चलेगा। कुछ खाया क्या? जा जाकर लेकर आ। तुझे डांटने का मन नहीं करता है बेटा, कोर्ट के चक्कर काट सकते हैं क्या? तू ही बता, चार लोग क्या सोचेंगे? शादी की उम्र हो गई है तेरी, तुझे समझना चाहिए ना। वो गलती करके कोर्ट नहीं गया है पापा, गलत लोगों से झगड़ा करके गया है। वो अच्छा इंसान है। ठीक है, अच्छा है, पर तेरे लायक नहीं है। हम तेरे लिए उससे भी अच्छा रिश्ता देखेंगे बेटा। नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुन, ठीक से पढ़ाई कर ले, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, ये जिंदगी का सवाल है, समझ रही हो ना? चल खाना खाते हैं, आजा। खाना अच्छा है ना? सोडा पी ले क्या? चल कोई बात नहीं, काम हो जाने के बाद पीते हैं, पहले काम करवा लेते हैं। आइए सोडा देना। हाँ नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। अब वो वकील साहब ने वो जो मैटर दिया था वो अभी टाइम नहीं हुआ क्या? नहीं कब अभी तक हो जाएगा? अभी कर रहा हूँ। अरे अंकल थोड़ा जल्दी करो ना, हो जाएगा, जरूरी है। पैसे तो दो। हाँ जितनी फीस होगी मैं दूंगा ना। वैसे कितना हुआ आपका? 25 रुपए। हाँ वकील साहब ने बोला था। सूर्या बेटा जरा इधर आओ, आपसे भला कोई नहीं है। बीस साल पहले इसी गाड़ी से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। गांव में तेरी क्या इज्जत है वो तो पता नहीं है, लेकिन मेरी और मेरी दुकान की बहुत इज्जत है। मैं भी चार लॉयर्स को जानता हूँ, एक केस करके तुम्हें अंदर करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलूँ मैं, गलत है ना? तुम कहाँ और मैं कहाँ, थोड़ा सा तो सोचना समझना चाहिए। चार बातें सुनाई उन्हें दिल पर मत लेना, उसके लिए रिश्ता देख रहा हूं मैं। मेहरबानी करो जाओ। चार दिन हो गए हैं, ना फोन उठा रही हो ना दिख रही हो। तुम नहीं दिखती तो मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, रास्ता छोड़ो मुझे जाना है। अरे लेकिन तुम अचानक ऐसा करोगी तो फिर मेरा क्या होगा? ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो।
ठीक है, ट्यूशन के बाद मुझे अकेले में मिलो, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं नहीं आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। सिर्फ बात करने के लिए तो बुला रहा है, उसकी हालत देख के मुझे उस पे दया आ रही है। अगर मेरे घर पता चल गया ना तो मेरे पापा हंगामा कर देंगे। चार दिन चुपचाप रहने के लिए बोल रही हूँ फिर भी परेशान हो रहा है। बेचारा सूर्या तेरे प्यार में पागल हो गया है, उसे ऐसे देख के तुझे अच्छा लग रहा है? प्यार में एक अलग ही फीलिंग होती है, लड़कों को परेशान करने में मजा आता है। क्यों बुलाया? बोलो। मेरे पास टाइम नहीं है, घर पर बिना बताए आई हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बाप को बोलकर नहीं आया। चार दिन से कितनी बार फोन किया मैंने, कुछ भी जवाब नहीं दे रही हो। अगर कुछ हुआ है तो बात तो करनी चाहिए ना। क्या बात करेंगे? तुम्हारे पापा ने कुछ बोला क्या, डांटा तुम्हें? हाथ उठाया? इधर देखो, बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी को यह सब पसंद नहीं है, हम अब नहीं मिल सकते। लड़की की पसंद का लड़का उसके बाप को कभी नहीं भाता। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक अच्छा रिश्ता देखा है, शुक्रवार को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मतलब लड़के वालों के चक्कर में बिजी थी और मेरे फोन नहीं उठा रही थी। तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मना करने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए। तुम शॉप खोलने के लिए खुद घूम रहे हो, मेरे पिता ने शॉप वाले लड़के को पसंद भी कर लिया, वहाँ पर तुम्हारे जैसे 10 लोग काम करते हैं। तुम्हारे आगे पीछे घूमने के चक्कर में शॉप साइड में रख दी, वरना खोल चुका होता। अब मेरे आगे पीछे घूमकर टाइम वेस्ट मत करो। हाँ इतने दिन घूम लिया, लेकिन अब एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब? मैं शादी कर लेती हूँ, तुम शॉप खोल लो। ठीक है अब मैं जा रही हूँ। ऐसे जाना ही था तो फिर यहाँ पर आई क्यों? बुलाया था इसलिए आई थी, अब जा रही हूँ। ठीक है। मैं तुम पर जान छिड़कता हूँ और तुम इस तरह से छोड़कर जा रही हो? जान की बात मत करो, जान लेने देने के लिए क्या हमारा प्यार इतनी दूर तक चला गया? कुछ मुलाकातों को प्यार का नाम दे दिया? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? तुम ऐसे जा रही हो ना, मुझे प्यार है, शायद तुम्हें नहीं है। पागल हो गए हो क्या? कितना खून बह रहा है, इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? देखो यहाँ देखो, मैंने तुम्हें रुलाने के लिए सोचा, लेकिन तुमने मुझे ही रुला दिया। आगे कैसे मेरा साथ निभाओगे? इतना प्यार करते हो मुझसे, तुम कितना प्यार करते हो ये तो दिखा दिया, अब मैं अपना प्यार तुम्हें कैसे दिखाऊं? तुम मुझे कितना पसंद हो इससे ज्यादा नहीं बता सकती, समझ गए ना? अच्छा एक बात बताओ, इस सब के बाद लड़कों का प्यार कम हो जाता है, क्या मेरे लिए तुम्हारा भी प्यार कम हो जाएगा? मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ। शुक्रवार को मेरे लिए रिश्ता आ रहा है और हमारी आज ही सुहागरात हो गई, अब आगे क्या करना है बताओ? घर संसार कैसे शुरू करें? तेरे पापा ना पागल हैं। एक काम करते हैं, मेरा केस भी शुक्रवार को खत्म हो जाएगा तो हम दोनों एक काम करेंगे, 4 बजे मंदिर में मिलेंगे और वहीं पर शादी करेंगे। एक बार शादी कर लेंगे तो उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम बात को समझ रही हो ना? देखो टाइम पे आ जाना, ठीक 4 बजे। ठीक है। लड़की पसंद हो तो बाकी बातें भी कर ली जाएं। काशी जी ने पहले ही बताया था
कि लड़की पसंद है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही आए थे, नहीं तो बारात लेके सीधा मंडप में आते हैं। काशी जी की बात हम टाल ही नहीं सकते। मैंने सारी सेटिंग कर दी है, 2 घंटे में मामला क्लोज हो जाएगा। शर्मा जी, जज साहब लंच के बाद आएंगे। क्या, लंच के बाद आएंगे? लंच के बाद आएंगे ही, ऐसा बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आधे घंटे का काम है। कुछ नहीं होगा सूर्या, घबराओ मत, आज तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। मेरा काम तो हो जाएगा ना? हाँ वो हो जाएगा। तो अभी क्या करना है? बस अब शादी की तैयारियां शुरू करनी है। बेटे कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना पापा, मैं सुनीता के घर जा रही थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आता हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। बाय पापा। शिवा के केस में सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये अदालत आज इस केस को खत्म करने की अपील मंजूर करती है। यही मिलना चाहिए। श्रीदेवी यहां नहीं है ना? वो अंकल। क्या रास्ते में गाड़ी लगा दी है? बता ना। अच्छा साइड से निकल जाओ ना। दिमाग घर छोड़ के आते हैं। केस आज खत्म होने वाला था, लेकिन शिवा की हॉस्पिटल में इलाज करवाने के दरमियान मौत हो गई है। इसीलिए सूर्या के ऊपर लगाए गए हत्या की कोशिश का केस अब हत्या के केस में बदल गया है। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक सूर्या को ट्रायल कैदी के तौर पर जेल में रखने का आदेश दिया जाता है।
भैया कहाँ है? अभी तक आया नहीं क्या? फोन करो ना उसे। श्रीदेवी सूर्या सूर्या रुको अगले चार दिनों में 15 अगस्त आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी झंडा वंदन कार्यक्रम के लिए जिला कलेक्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए पूरे जेल की साफ सफाई करके सजाना है। अगर किसी को देशभक्ति का गाना गाना है वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तुम में से है कोई ऐसा जिसमें स्पेशल टैलेंट है? सर मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। सर सर मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ। सर सर मैं स्टेज की लाइटिंग और साउंड संभाल लूंगा। लाइटिंग का काम लेकर बहुत अच्छा किया तूने। अब तो जेलर की नजरों में बना रहेगा। अगर उसको समझ में आ गया तो सजा चाहे जैसी हो वो तेरी सिफारिश जरूर करेगा। तुम बहुत जल्द अपनी श्रीदेवी से मिल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? मेरे आदमी तुझे कुछ सामान दे रहे थे, तूने मना कर दिया। मर्डर केस है ना तेरे ऊपर, हाजिरी देनी पड़ेगी। जरा इसे समझा रहे क्या करना ये बताएगा? क्यों रे, बात समझ में आ रही है? बताना बात समझ में आई क्या? घूर क्या रहा है बे? छोड़ो ना भाई, आंखें नीचे कर नहीं तो फोड़ दूंगा। भाई भाई क्या हुआ? जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। वो रामनगर का सीनू है, बड़ा क्रिमिनल है, बाहर कम जेल में ज्यादा रहता है। जेल के अंदर दारू गांजा सब बेचता है। उससे तू पंगा मत लेना, शांत रहना। इन लोगों से पंगा लेने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है? ये काम मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं जेल से भाग सकूं। छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। 15 अगस्त करीब आ रहा है और जेल के अंदर ये सब चल रहा है। ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा। याद रहे कलेक्टर साहब आ रहे हैं। आराम से मारो सर। बताओ सर, किसी को भी छोड़ना नहीं। जी सर। जब तक नहीं बताते मारते रहो। कोई छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज रात ही बाहर जा रहा हूँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे घर पर बैठा हुआ है, कैसे जाएगा? ये लाइटिंग के काम में पावर सप्लाई बंद करने के लिए छोटी सी सेटिंग की है। शाम होते ही सब जेल के अंदर चले जाते हैं ना। मुझे एक हेल्प करना। प्लानिंग के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे पहला स्विच ऑन कर देना। उससे क्या होगा? लाइट चली जाएगी। जेल में लाइट नहीं जाती है, जनरेटर है ना, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। नहीं होगा। क्या हुआ सूर्या, खाना नहीं खाओगे क्या? पेट में गड़बड़ है। ठीक है सर, जल्दी से खाना खाओ, लेट हो गया है। ए, तुझको नहीं खाना क्या? अरे कैसे हो गया? सर डाइनिंग रूम की लाइट चली गई। सर मेन स्विच चेक करो। ठीक है, चेक करता हूँ। जल्दी जाओ, जाकर देखूंगा। हाँ ओके सर। जनरेटर अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? सर मेन बोर्ड का फ्यूज उड़ा हुआ है। सर देखता हूँ। देख कोई जाए नहीं।
श्रीदेवी, श्रीदेवी, पीछे, यहाँ मैं हूँ। एक काम करो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। सूर्या, तुमको जेल। बहुत घुटन सी हो रही थी तो मैं भाग आया। पुलिस के हाथ अगर लग गए तो तब क्या होगा? मुझे फिक्र नहीं है। फिक्र तो इस बात की है कि मैं जेल चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अच्छा, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे तू अपना मुंह बंद करना, चुप नहीं रह सकता? ठीक है, चुप हूँ। कोई देख लेगा तो फंस जाएंगे। लगता है दोनों प्यार कर रहे हैं। अरे तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए ना, ये कोई टाइम है प्यार करने का? ए, वो आ गए, जा जल्दी बैग लेकर आ। जल्दी बैठो, जल्दी 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 बैठो। ऐसा लगता ही था कि हाथ से निकल जाएगी। इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुई है वो। हेलो, क्या? ठीक है, आप घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसा को फोन कर दिया। ये लोग गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए, जल्द से जल्द उनको पकड़ना होगा। ए चल रहे, अपने आदमियों को फोन कर। ए थोड़ा तेज चला, जल्दी से गांव पार करना है। नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर आ, मैं पीछे बैठ रहा हूँ, तू गाड़ी चला। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, तू चला। तुझे जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पता है? और क्या, मुझे बहुत कुछ पता है। तो चल, पांच देशों के नाम बता। इंडिया, पाकिस्तान और बाकी तीन तुम जोड़ लो। अरे यार बकवास बंद करो। क्या हुआ यार? लगता है पेट्रोल गया। इस कंजूस की गाड़ी में कभी पेट्रोल होता है क्या? ये तो होना ही था। अरे मुझे क्या पता था जनाब जेल से भाग कर आएंगे कि मैं पेट्रोल भरवा के रख लेता। वो देखो ट्रक आ रहा है। अरे रुको रुको, भैया कहाँ जा रहे हो? मंडी तक जा रहे हैं। ए चलो बैठो, चल, 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 चल। ए बैग लेकर आ। सुनो, पहुंचने के बाद ठीक है, बाय बाय। गाड़ी को धक्का दे दे के मेरी तो हालत खराब हो गई है। मेरा भी यही हाल है। सर, स्टॉक ब्रोकर प्रसाद का घर कहाँ है? ये सामने वाला। ओके, यही वाला है। सूर्या, आओ आओ, अंदर आओ, बैग दो अपना, आ जाओ, आ जाओ। सूर्या, आओ अंदर आओ। तुम श्रीदेवी हो ना? बहुत सुंदर हो तो। हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। देखो, टेंशन बिल्कुल मत लो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती यहीं पर रहो। अब तुम जाओ, जरा इनके लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। जाओ, अंदर आओ। आओ बैठो बैठो। थैंक्स जीजा जी, आपको तकलीफ दे रहा हूँ मैं। क्या होगा पता नहीं है, लेकिन श्रीदेवी के अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एक्चुअली तुम्हारे लिए सेफ प्लेस यही है। देखो, जेल के बारे में अपनी दीदी को मत बताना, वरना वो बहुत टेंशन में आ जाएगी। नहीं बता। उस लड़की को भी मना कर देना। है? ठीक है। अब जा, जाके नहा ले। है? किसका फोन है? तू जाके नहा ले जा। सर, नार्को फार्म में कोई चेंज नहीं है सर। सर मैं देखकर बताता हूँ। गुल्लू, अरे गुल्लू, अंकल को पानी लेकर जाने को बोल। और हाँ, खुशी के रूम से सारा सामान हटाने को बोल। सुबह नाश्ते के लिए बुलाया, अभी तक नहीं आए ये लोग। प्रसाद, प्रसाद। अरे आप क्या है ये सब?
तुम दोनों ने बोला था सारी रस्में अच्छे से निभाओगे, इसीलिए शादी को हाँ बोला। अरे ये दोनों कौन है? सुबह से तुम लोगों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं और तुमने खाना बना लिया? वो क्या है ना, आपके पास ही आ रहे थे, ये लोग गांव से आए हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। नहीं नहीं, वो क्या है ना, लड़के वाले आने वाले हैं, उन लोगों को घर भी दिखाना है। हमारे में लड़के वाले जब आएंगे तब उनकी नजर उतारनी पड़ेगी। आप लोगों में क्या होता है पता नहीं, उनको कोई रस्म का पता नहीं और टेंशन के मारे मेरी जान। टेंशन मत लीजिए, हमारे में भी ना आरती उतार कर ही अंदर लाते हैं, ज्यादा मत सोचिए। भाभी और चाहिए, उसे आरती उतारना नहीं बोलते, नजर उतारना बोलते हैं। दूल्हे की नजर उतार कर बाहर फेंक देते हैं ताकि बाहर की बुरी नजर अंदर ना आए। ये सही कह रही है, इनकी शादी को बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए भूल गई थी। इनकी अभी अभी शादी हुई इसलिए याद है। बेटी तुम भी शादी में आना, थोड़ी मदद मिल जाएगी। प्रसाद बच्चों को लेकर आना, लेकर इनका नाम फातिमा है, ये इस घर की मालकिन है। हम दोनों को बहुत मानती है। इनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, ये मुस्लिम है लेकिन लड़के वाले हिंदू है, उनकी भी लव मैरिज है। शादी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, ये लोग जल्दबाजी में हिंदू रिवाज के हिसाब से शादी करेंगे, इसकी हामी भर दी है, लेकिन इनको हमारे रीति रिवाज मालूम नहीं है, इसलिए मुझे ही सब कुछ करने के लिए बोला है। अच्छा, इनको नजर और आरती के बारे में मालूम नहीं है? अरे उपमा बनाने इन्हें नहीं आता और तुम इनसे शादी करवाने चली हो। अरे बापरे, चलो हंसे तो तुम लोग। देखो जब लोग धर्म नहीं देख रहे तो जात पात को कौन पूछता है, 4 दिन नाराज रहेंगे उसके बाद सब मान जाएंगे। अरे इधर ही नहीं होगा, मैंने बता दिया था, थोड़ा मोटा सा है। हाँ ये रहा, आराम से। नमस्ते साहब जी, चिंता बच्चों बाहर जाके खेलो, बाहर जाओ। नहीं सर, बैठो बैठो। ओके ओके सर, मैंने जो बताया था ना वो यही है। तुम्हारी पहचान वाला है, कहाँ जाना है, दुबई या सिंगापुर? वैसे अभी कुछ सोचा नहीं कहीं है पर तो... भी पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं, पासपोर्ट है ना दोनों का? देखिए उसी के बारे में बात करने आए हैं। हाँ तो बोलो ना, मैं हूँ ना। आप कहीं भी भेजिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है, इसके ऊपर एक छोटा सा केस चल रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव, कोई बात नहीं, मर्डर केस। तू रुक, मर्डर मतलब मर्डर नहीं सर, वो बस स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल दिया। उसे भी मर्डर ही कहते हैं, क्या बोल रहे थे तुम? वो क्या है कि ये जेल से भागकर यहाँ आया है। मतलब जेल से भागकर आया और फिर जो लड़की पसंद थी उसे भगा कर लाया हूँ। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे स्कूल से भागकर बच्चे फिल्म देखने चले जाते हैं। दुबई और सिंगापुर के सपने मत देखो बेटा, लॉयर के पास जाओ। सर सर, ऐसी हालत में आप ही को कुछ करना है, हम कहाँ जाएंगे? कुछ सोचते हैं, बहुत पेपर वर्क लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। भारत देश में अगर पैसा खर्च करेंगे तो माँ बाप को छोड़कर सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो हम शादी कर सकते हैं? जल्दबाजी मत करो बेटा, 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, बाहर मत घूमना, बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, जब बोलूंगा तो पैसे लेके आ जाना। ठीक है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो जीजा जी ने बताया था ना, तो बस उन्हीं से मिलकर आ रहा हूं मैं। वो 1 हफ्ते के बाद हमें नेपाल भेजेंगे, जॉब भी रेडी है। क्या नेपाल में? हमें अपना नाम बदलना होगा, बस। नाम बदलना होगा? तुम्हारा नाम क्या रखेंगे, चिंकी रखें क्या, कैसा रहेगा? तुम्हारा नाम क्या रखें? बंटी बहादुर। बंटी अच्छा है ना? ये ज्यादा अच्छा है। अगर सब कुछ सही होता तो हमारी शादी भी ऐसी होती ना। अगर तुम्हारे बाप मान जाता तो, माना ही नहीं। देखो मैं अपना घर छोड़कर आई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा को छोड़कर आई हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पापा से प्यार नहीं करती। मुझे जितना प्यार तुमसे है उतना ही प्यार अपने पापा से भी है, वो कभी कम नहीं हो सकता। उनको कुछ मत कहना। लगता है घरवाले याद आ रहे हैं। आज से मेरा सब कुछ तुम ही हो। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा निकाला है। लोगों का कहना है कि यहाँ की सरकार रोड पर ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए यहाँ के लोग काफी आक्रोश में हैं। जिसे धरना देकर आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ठीक है सर। सर, रामचंद्रपुर जेल से भागा हुआ ट्रायल कैदी सूर्या, जिसे पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है, बताया जा रहा है। सर सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जिला अधिकारी का कहना है कि उसके खिलाफ। पद्मा, सूर्या कहाँ है? क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ जी? कहाँ चला गया वो? अभी आता हूँ, ऐसा बोल कर गए। मना किया था ना कि कहीं बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी। आ,
कहाँ? तुम लोग जरा अंदर जाओ। क्या हुआ? क्या है? कहाँ चले गए थे तुम? वो जरा एटीएम गया था पैसा निकालने के लिए, वो आपको देने थे ना, इसलिए मैं। आपने ही कहा था ना कि अपने हाथों से ही देना तो लूंगा। ये क्या है सूर्या, तू एटीएम से पैसे निकालने क्यों गया था? मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा था, उनको देना है ना। आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तूने क्या किया तुझे मालूम है? तू जेल से फरार कैदी है, समझ गया? यहाँ टीवी पर तारे, इसीलिए मैंने एक जगह से नहीं लिया, मैंने 3 ATM ट्राई किए। इन्हें भी अभी आना था। प्रसाद, हदें पार कर दी उसने। सोचा था मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। उसका घर से भागना और मुझे उसको पकड़ना, बस यही काम रह गया है मेरा। उसे घर पर तो ले आए, लेकिन अब उससे शादी कौन करेगा? एक एक पाई जमा करके मेहनत से इज्जत का घर खड़ा किया। आज मेरे घर के दरवाजे पर कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं, मेरी बेटी पर दया दिखाने के लिए आ रहे हैं। उस खूनी ने मेरा घर उजाड़ दिया, इज्जत चौराहे पर नीलाम कर दी। भाग गई मतलब वो आपके लिए मर गई। आपको ऐसे दुखी देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब आपसे कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा। काफी दिनों से बताना चाह रहा था। मेरा और मेरी पत्नी का अब कोई रिश्ता तो रहा नहीं, और आपकी बेटी से मैं बस 10 साल ही बड़ा हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं क्या? उसे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा मैं। देखिए जैसा आपको ठीक लगे, फिर आपके घर की गई हुई इज्जत वापस भी आ जाएगी। देखिए सोच समझ के बताइए। मदद मांगने आया था, लेकिन आपने इज्जत दी, मना कैसे कर सकता हूं? ए चंदू, यहां पर। जरा एक मिनट भाई, कैसे हो सूर्या? ठीक हो? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो। हाईकोर्ट में अपील की है, बेल मिल जाएगी, तब तक तुम्हें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। तुझे क्या हुआ रे? और श्रीदेवी कैसी है? तू बता क्यों नहीं रहा है, वो कैसी है? ठीक है ना? वो अच्छी है, तू कैसा है? अच्छी है मतलब क्या? तूने देखा ना, वो ठीक है ना? देखा, वकील साहब बेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्रीदेवी की बात कर रहा हूँ, तू कुछ और ही बोल रहा है। बोला ना अच्छी है वो,
ऐसे मुंह लटका कर क्यों बात कर रहा है? हाँ, मिला क्या उससे? वो कुछ बोली, उसका बाप कुछ बोला, कुछ तो बोल तू। तू इतना क्या श्रीदेवी के बारे में पूछ रहा है? अपने बाप के बारे में नहीं पूछेगा? मेरा बाप ठीक ही होगा। हाँ, तू बोल ना, वो कैसी है? अच्छा, तू कह रहा है तेरा बाप ठीक ही होगा? तेरे बारे में सोच सोच कर बिस्तर पकड़ लिया है, बोलते हैं यहां दर्द हो रहा है, और तू कब से श्रीदेवी के बारे में पूछ रहा है? जेल से भाग कर चला गया, ये सब उस लड़की के लिए ना? और उस लड़की ने क्या किया पता है? तू यहां जेल में बैठा है और वो उस काशी के साथ मंडप में बैठ गई। ए, ये तू क्या कह रहा है? मैं जो कह रहा हूं ना वो सच है। श्रीदेवी ने शादी कर ली, तो जब तक जेल से बाहर आएगा ना तब तक उसकी गोद में एक बच्चा मिलेगा, खिला लेना जी भर। मेरी श्रीदेवी, मेरी श्रीदेवी, अब श्रीदेवी कभी तेरी नहीं हो सकती। चलिए सर। भाई, ये जेल से क्यों भागा था पता है क्या? अपनी लवर से मिलने के लिए, और उसके बाप ने किसी और से शादी करा दी। सुनो, झगड़ा नहीं। जेलर नहीं है ना, बाहर जाके चाय पी के आओ। जाओ जाओ। सुनो, झगड़ा मत करना। क्यों रे लवर, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? खाना नहीं खाया क्या? अबे इसने कुछ नहीं किया होगा, इसलिए सुख पाने के लिए किसी के साथ चली गई होगी। क्यों रे तकलीफ हो रही है? बहुत करना बे। श्रीदेवी की शादी करा देंगे वो। तेरे बिन जीना कैसा है जीना, इससे तो अच्छा है मेरा मरना। मेरा यूं जीना पर क्यों जीना, जब जान भी बची है मुझ में ना।
श्रीदेवी मेरी तेरी है, श्रीदेवी तेरी है। कब तक ऐसे दुखी रहोगे बेटा? अब तो 4 महीने हो गए। सुनो सूर्या, तुम्हारी बेल हो गई है, कल तुम बाहर जा सकते हो, पर बेल पर जा रहे हो, याद रहे। आगे क्या करने का सोचा है श्रीदेवी? अरे उस लड़की की शादी हो गई, अब तो उसको भूल जा। शादी हो गई तो क्या, वो सिर्फ मेरी है और मेरे एक इशारे पर कहीं से भी आ जाएगी। प्यार अंधा होता है। तू अभी जोश में बातें कर रहा है, इसी गुस्से की वजह से तू और मैं यहां पर हैं। अब बाहर जा, खुश रह, वो लड़की अब किसी और की हो चुकी है। तू भी अपनी जिंदगी जी बेटा, पीछे मत देख, तुझे कोई और लड़की मिल जाएगी, उससे शादी कर ले बेटा। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें फिर से मौका मिलता है। इसे बेकार मत जाने दे। जेल में आए हुए इंसान को और जेल से बाहर गए इंसान को कभी कोई नहीं अपनाता। आ गया सूर्या। कैसा है तू? पापा आप जाइए। हाँ मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। मुझे पता था तू यहां आएगा। कब तक उस लड़की के बारे में सोचता रहेगा? बताया ना, काशी से शादी होते ही वो बदल गई है। यहां कोई नहीं रहता। उस लड़की की शादी हो गई है, वो यहां से चली गई है। गलती हो गई माँ जी, उस समय अनजाने में वो सब हो गया। मैंने आपके बेटे को आपसे छीन लिया है और मैं उसे वापस नहीं ला पाऊंगा। बस मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा तुमने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आपने क्यों तकलीफ ली? कुछ काम सुबह सुबह ही कर लेने चाहिए। अरे अभी कैसा है तेरा दर्द? जख्म भर गया है। डॉक्टर ने कहा है इसी हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी।
तेरे जख्म तो भर गए लेकिन चोट मुझे भी लगी है, मेरे जख्मों का क्या है? क्या है, इंसान का अच्छा होना बहुत तकलीफ देता है। मेरी बीवी को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था तो छोड़ दिया मैंने उसको, चली गई वो, जाने दे। अच्छा वो लड़की तो तेरे को पता है ना, क्या नाम है उसका? श्रीदेवी। हाय 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 हाय, कितनी देखा है मैंने, लेकिन वो साली दिल से निकल ही नहीं रही है, दिमाग पे चढ़ गई है। अब जब उसके बाप को मैंने तैयार किया तो वो साला सूर्या टांग अड़ा रहा है, फिर से लड़की मेरे से दूर हो गई। अब उसको कैसे साइड करूं ये सोच रहा था, तभी मेरे मन में अचानक तेरा चेहरा आ गया। तू तो मेरा यार है ना। सूर्या को उकसाने के लिए मैंने तुझे उसके बाप के चेहरे पे पेशाब करने को बोला था। अब मैंने सोचा था कि झगड़े में तू उसके हाथ पैर तोड़ देगा, लेकिन उल्टा उसने तेरे को फोड़ के रख दिया। ठीक है, केस करके उसको अंदर करवा दिया। वो जेल में रहेगा तब तक उससे शादी करने का पूरा प्लान सेट किया है मैंने। सब कुछ सही चल रहा था ना, वो लड़की मेरी हो रही थी ना। क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन अब तू उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तुम्हारे हाथों किसी की हत्या हुई है ये बोझ लेकर मत जीना बेटा। उस लड़की के लिए काशी ने मेरे बेटे को मारा और तुमको जेल भेजवाया।
साथ खेलेगा तू, पर तुझे लगता है ऐसे श्रीदेवी तेरी हो जाएगी? एक आवाज दूंगा ना तो अभी मेरे पास आ जाएगी, तुझे मार कर उसे अपना बना लूंगा। कहाँ है श्रीदेवी? बुलाएगा तो तेरे पास आएगी, जा बुला, बुला ना। श्रीदेवी कहाँ है पता है? कहाँ है पता है क्या तुझे? पंडित के बिना शादी तो हो गई, लेकिन फूल के बिना सुहागरात कैसे होगी? ये ले, लेना। जब तू मेरे करीब से गुजरती थी तब तेरे जिस्म की खुशबू मुझे पागल बना देती थी। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। चल सो। चल सो जा इधर। मेरे को मार दिया कमीने, अभी पता था तेरे को। तू चल रही है, रुकना। छोड़ूंगा नहीं आज तुझे। चल दिया तेरे में, पति को मार दिया अपने। मुझे मारा तूने, तेरी तो। श्रीदेवी, 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 रमा जी, श्रीदेवी, 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 दरवाजा खोलो, श्रीदेवी, दरवाजा। अरे खून बह रहा है, क्या हुआ दमाजी, क्या हुआ? मार दिया। हा? वो गुस्से में है, रह कर आई है ना वो, तेरी इज्जत बचाने के लिए उसके साथ शादी की, तो उसका ये इनाम दिया उसने मेरे को। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, इतनी हिम्मत कहां से आई तुझमें? मेरी इज्जत बाजार में नीलम कर दी तूने। इज्जत 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 तुम लोगों को हो क्या गया है? क्या है ये सब? चार दीवारी के अंदर चार लोगों के बीच मेरी शादी करवा देंगे तो मैं तुम्हारी बीवी हो जाऊंगी? मैं श्रीदेवी हूँ, सूर्या की श्रीदेवी, और सूर्या ही मेरा पति है। आई बात समझ में? जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम इस वक्त मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा शरीर सिर्फ सूर्या का है। जब भी वो जेल से बाहर आएगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। बड़े आए इज्जत वाले लोग, तू बड़ा आदमी है ना, इसलिए मेरे बाप ने तेरे साथ शादी करवाई। कान खोल कर सुन ले, किसी अनजान के साथ रात गुजार लूंगी लेकिन तुझे छूने नहीं दूंगी। उम्र से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मर्द होना चाहिए। बेचारा काशी कुछ कर नहीं सकता, वो एक नामर्द है, ये बात पूरे गाँव में फैलनी चाहिए। लोगों को तुझ पर घिन आनी चाहिए, और यही तेरी सजा है। मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो किसी रात कोई पत्थर उठाकर तेरे दोनों टांगों के बीच में मारकर अपने सूर्या के पास जेल चली जाऊंगी। चल, छू, छू मुझे, छू ना। दामा जी, मैं बात करता हूँ ना, मैं समझाता हूँ इसे। ये उसके साथ रह के आई है, हाथ से निकल गई है तुम्हारे। इसकी बाजारों बातें सुनी तुमने? इज्जत, घर, गली, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। अब देख लिया इसको, जब वो वापस आएगा तब इसको संभाल के रखेगा, या फिर इज्जत से मेरे घर पे लाकर छोड़ देगा, या खुद को मर्द साबित करेगा, ये आप ही सोच लो। मैं जा रहा हूँ।
तूने हम सबकी जिंदगी नरक कर दी है। मैंने कोई गलती नहीं की, प्यार किया है मैंने। तेरी शादी हो गई है। मेरी शादी कब की हो गई है? आप काशी का साथ दोगे या फिर अपनी बेटी का साथ दोगे, इसका फैसला अब आपके हाथ में है। कुछ खाया उसने? मैंने बहुत सोचा बेटी, जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक करना होगा। उसके प्यार की खातिर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इसी में हम सब की खुशी है। उसके लिए मैं प्यार का गला घोट दूं? और वैसे भी मैंने क्या गलती की पापा? ये सब गलत है बेटी, तेरी शादी हो गई है, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। दिल में किसी और को रखकर किसी और के साथ जिंदगी बिताऊं, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है पापा? बात गलत सही की नहीं है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात, ये सोचने वाली जनरेशन हमारी नहीं है। दो इंसान के दिल एक दूसरे से मिलने चाहिए, बस यही इम्पोर्टेंट है। पापा जैसे दुकान का नाम बोर्ड पर पहले पेंट से लिखवाया जाता था, आज वहां पर फ्लैग्स आ गए। दुनिया तेजी से बदल रही है, कौन क्या कर रहा है ये देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है पापा। दुनिया बदल सकती है, समाज नहीं बदलता। मैं नहीं बदल सकता बेटी। आधी जिंदगी गुजर गई जब आप नहीं बदल सकते, तो मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है पापा, मैं भी नहीं बदलूंगी। नहीं बेटी, पिताजी की बात मान लो, अगर तुम जिद पर अड़ी रहोगी तो हम काशी को क्या जवाब देंगे बताओ? यह हमारे परिवार की समस्या है। सिर्फ तुम्हारे परिवार की समस्या नहीं, हमारे परिवार की भी है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वह घर से दूर चली जाती है, तो अब तुम्हें क्या करना है जानते हो ना? शादी हो जाने का मतलब हम हाथ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, इकलौती बेटी है। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये फैसला सुना दिया है इसने, हमें भी कुछ फैसले लेने पड़ेंगे अब। ठीक है बेटी, सोचा था तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, अब जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं? तेरी जिद तो मैं जानता ही हूं, चलो खाना खाते हैं। पापा, सूर्या बहुत अच्छा इंसान है पापा। मुझे पता है बेटी, अभी खाना खा लेते हैं, बाकी बातें कल सुबह करेंगे।
के सामने जबान खोली ना तो उसके साथ जो हुआ वो तेरे साथ भी होगा। 25 साल से तेरे साथ और 22 साल से उसके साथ जिंदगी बिता रहा हूं मैं। क्या समझ लिया था तुम लोगों ने मुझे? अगर वो किसी लड़के के साथ भाग जाएगी तो क्या उसके बच्चे को मैं गोद में खिलाऊंगा? इस आदमी को उसकी बीवी ने छोड़ दिया था, मैंने उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाई ये सोच के ताकि वो बराबर के कुल में जाए, बोला था मैंने। ए, सुन, बोला था कि नहीं? मैंने नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी तू? उसने भी नहीं सुना था। मुझे ऐसी बेटी की जरूरत नहीं है। हे, तू झूठ बोल रहा है ना? बोलना, तू झूठ बोल रहा है ना? हे काशी, हे हे, श्री देवी को पाने के लिए इतना सब कुछ किया, उसका बाप जब वो घर से भागती थी तो वो मुझे फोन करके बताता था। उसको मारने से आधे घंटे पहले अगर उसने मुझे फोन किया होता तो एक बार उसके साथ Oh,
बेटी को मार कर खाना खा रहा है तू, मार डाला ना छी कमीना। और सब कुछ किया इज्जत के लिए, क्या हासिल किया तूने चल बता। 25 साल से मेहनत करके जो दुकान शुरू की थी वो नहीं है। 22 साल से जिस लड़की को लाड़ प्यार से पाला वो अब नहीं रही। अरे लोगों को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा तू, क्या खाक इज्जत है तेरी। छोटी जाति का हूं इसलिए अपनी बेटी का हाथ नहीं दिया था ना। अरे इंसान जो काम करता है ना उस पर निर्भर करता है कि वो किस जाति का होता है, ये कौन से कुल का है, किस जाति का है, ये सब तुम कहां से लाते हो, कौन पूछता है ये। एक बात बता, बेटी को मार दिया तूने, जो इंसान अपनी औलाद को मार दे वो ऊंचे कुल का कैसे हो सकता है। हाँ उस इंसान को जीने का हक नहीं होना चाहिए। तूने ना इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ काम किया है, अब मैं श्रीदेवी के बिना पता नहीं कैसे जीऊंगा। ऊपर वाले ने तुझे कितनी अच्छी बेटी दी लेकिन तूने उसी का कत्ल कर दिया। मैं जी कैसे रहा है तू, ये है तेरी इज्जत। हाँ इतना बड़ा कुल है तेरा, तेरी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है, पर मैं तुझे ऐसे मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा इसी हाल पर। इंसान के नाते तू मर चुका है, तूने ना नीचता की सारी हदों को पार कर दिया है।
जात पात ऊंच नीच धर्म संप्रदाय ये सब इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते और हम जो इज्जत और शान की बात करते हैं वो सिर्फ हमारा वहम है। हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि जिसका पश्चाताप हमारा अंत हो।